एफिनिटी एंड सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ हार्मोनिया दैट इज़ यूरो कॉर्डेटा। तो आज हमारा टॉपिक है एफिनिटीज एंड सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ हार्मोनिया एंड दैट इज़ यूरो कॉर्डेटा। तो लेट्स स्टार्ट, हम इसे स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एफिनिटीज़ को स्टडी करने से पहले हम कुछ हेडिंग्स जिनको हमें स्टडी करना है वो हम बता देते हैं आपको। जिसमें से एफिनिटीज़ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन, फिर हमें स्टडी करना है एफिनिटीज़ विथ नॉन कॉर्डेट्स, देन फिर एफिनिटीज़ विथ कॉर्डेट। एफिनिटीज़ विथ कॉर्डेट में तीन पॉइंट्स हैं अलग से, एफिनिटीज़ विथ हेमिकॉर्डेटा, एफिनिटीज़ विथ सिफेलोकॉर्डेटा एंड एफिनिटीज़ विथ वर्टिब्रेटा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपको बता दिए, जो हम स्टडी करेंगे इसे एफिनिटीज़ में, यूरोकॉर्डेट के एफिनिटीज़ में। तो स्टार्ट करते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन। द सिस्टमेटिक स्टेटस ऑफ यूरोकॉर्डेट हैड लॉन्ग रिमेन कंट्रोवर्सियल। सिस्टमेटिक स्टेटस की बात करें यूरोकॉर्डेट्स में, तो इसमें बहुत ही क्या है, लंबे समय से चल रहा विवाद था इसमें। और लैमार्क, और बात करें लैमार्क जूलॉजिस्ट हैं, 1816 में फर्स्ट कॉल्ड देम ट्यूनिकेटा। यूरोकॉर्डेटा को सबसे पहले ट्यूनिकेटा कहने वाले थे लैमार्क 1816 में। क्यूवियर 1817 क्लासिफाइड देम अलॉन्ग विथ मोलस्क। क्यूवियर की बात करें तो ये इन्होंने क्लासिफाइड किया था मोलस्का में क्लासिफाई कर दिया था उसके बाद। बट फिर लैमार्क ने क्या किया, पुट देम बिटवीन रेडिएटा एंड वर्म्स। फिर लैमार्क ने इन्हें रेडिएटा और वर्म्स में डाल दिया, के बीच में रख दिया, बिटवीन देम रेडिएटा एंड वर्म्स के बीच में रख दिया, पुट कर दिया। मिल एडवार्ड की बात करें 1843 में इस्टेब्लिश किया था इन्होंने, इस्टेब्लिश द क्लास मोलस्कॉइडी। मोलस्कॉइडी एक क्लास बनाया टू इंक्लूड ब्रायोजा एंड ट्यूनिकेटा। जिस क्लास में ब्रायोजा और ट्यूनिकेटा को इन्होंने इंक्लूड कर दिया, टू विच हक्सले, जिसमें हक्सले ने 1853 में एडेड ब्रैंकियोपोडा। उसी क्लास मोलस्कॉइडी जो कि मिल एडवार्ड ने बनाया था, क्लास मोलस्कॉइडी में ब्रायोजा और ट्यूनिकेटा को इंक्लूड किया था उन्होंने। उसी क्लास में हक्सले ने 1853 में ब्रैंकियोपोडा को भी इंक्लूड कर दिया। फिर आगे हाउएवर, जबकि कोलेविस्की 1886 में पुट एन एंड टू द कंट्रोवर्सी। इन्होंने क्या किया कि विवाद जो चल रहा था उसको ख़त्म किया। व्हेन ही डिस्क्राइब, जब उन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया, व्याख्या किया द डेवलपमेंट ऑफ ए सिंपल एसिडियन, एक साधारण एसिडियन के डेवलपमेंट को, एंड इस्टेब्लिश देयर कॉर्डेट नेचर, और उसका कॉर्डेट नेचर कैसे इस्टेब्लिश होता है उसको बताया उन्होंने। सिंस देन द यूरोकॉर्डेट्स हैव बीन प्लेस्ड एज अ क्लास और सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेट विथ सर्टेनिटी। उसके बाद, उस समय के बाद यूरोकॉर्डेट को एक क्लास के रूप में या एक सब फाइलम के रूप में अंडर द फाइलम कॉर्डेटा स्टडी करते हुए हम आ रहे हैं। फिर आगे देखेंगे एफिनिटीज सिस्टमेटिक पोजीशन के बाद, जैसा कि हमने बताया था कुछ हेडिंग्स स्टडी करेंगे, जिनमें से अब सेकेंड हेडिंग है एफिनिटीज विथ नॉन कॉर्डेट्स। एफिनिटीज स्टडी करेंगे नॉन कॉर्डेट्स के साथ। इन सम फीचर्स, कुछ गुणों में यूरोकॉर्डेट्स शो सम सिमिलरिटीज विथ सर्टेन नॉन कॉर्डेट ग्रुप। यूरोकॉर्डेट्स कुछ नॉन कॉर्डेट ग्रुप्स में भी कुछ समानताएँ दिखाते हैं, दर्शाते हैं, जिनमें से फर्स्ट यहाँ देख सकते हैं, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा एंड यूरोकॉर्डेट्स आर सेसाइल इन नेचर। पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा में साइकॉन आते हैं, सिलेंट्रेट्स में ओविलिया एंड ओरिलिया, यूरोकॉर्डेट्स हार्मोनिया आता ही है। ये सारे क्या हैं, सेसाइल नेचर के होते हैं, नाजुक नेचर के होते हैं। फिर सेकंड है मैकेनिज्म ऑफ फिल्टर फीडिंग एंड रिस्पायरेशन। मैकेनिज्म, किस चीज़ का मैकेनिज्म, फिल्टर फीडिंग का एंड रिस्पायरेशन का थ्रू ए वाटर करेंट इज़ पैरेलल। ये भी पैरेलल होता है, फीडिंग, फिल्टर फीडिंग हो चाहे रिस्पायरेशन हो, इसका मैकेनिज्म पैरेलल होता है विद दैट ऑफ स्पंज में, मोलस्क में, दैट इज ओएस्टर एंड लोफोफोरेट्स में भी। थर्ड पॉइंट, बडिंग चेन ऑफ न्यू जॉइट्स इज कॉमन विथ सिलेंट्रेट्स एंड एनिलिड। बडिंग चेंज होता है न्यू जॉइट्स का, वो भी समान होता है सिलेंट्रेट में हो चाहे एनिलिड में हो। फोर्थ, लार्वल आई एंड ओटोसिस्ट। ओटोसिस्ट क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, तो लार्वल आई एंड ओटोसिस्ट्स आर फाउंड इन मेनी इन्वर्टिब्रेट्स, बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं।
फिफ्थ कॉलोनियल मोड ऑफ लाइफ ऑफ सिंपल एंड कंपोजिट फिक्स्ड एसिडियन इज ऑब्जर्व इन द नंबर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। कॉलोनियल मोड जो होता है जीवन का, चाहे वो सिंपल हो सिंपल का एंड कंपोजिट का भी, फिक्स्ड एसिडियन में, फिक्स्ड कंपोजिट फिक्स्ड एसिडियन में क्या होता है, ऑब्जर्व किया जाता है ये इनवर्टिब्रेट्स में। एसिडियन का ये कॉलोनियल मोड जो साधारण हो या कंपोजिट हो, ये इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, ऑब्जर्व किया गया है। सिक्स्थ, प्रेजेंस ऑफ टिफ्लोजोल इन इंटेस्टाइन। इट फिट टिफ्लोजोल जो होता है वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंटेड होता है, ये भी एफिनिटी है। फिर देखेंगे, नन ऑफ द एबव फीचर्स इस्टेब्लिशेस एनी नॉन कॉर्डिएट रिलेशनशिप। ऊपर दिए गए कोई भी फीचर ये इस्टेब्लिश नहीं करते हैं कि नॉन कॉर्डिएट्स के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश नहीं करते हैं, नहीं दर्शाते हैं। दीज सिमिलरिटीज आर ओनली, ये समानताएँ किस वजह से हैं, ओनली ड्यू टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ एंड पैरेलल इवोल्यूशन, क्योंकि इनके लाइफ का जो जीवन का मोड है, जीवनचर्या बोल सकते हैं इसे एक तरीके से, लाइफ मोड जिस तरीके से ये लाइफ को जीते हैं वो सिमिलर है, और पैरेलल इवोल्यूशन विकास जो हुआ है वो समान तरीके से हुआ है। इस वजह से हम इनके सिमिलरिटीज़ को दिया गया है, इनके सिमिलरिटीज़ को इस बेस पे दिया गया है। देन एफिनिटीज़ विथ कॉर्डेट्स हम स्टडी करेंगे। ऑलरेडी मैंसनड द कॉर्डेट एफिनिटीज़ विथ यूरोकॉर्डेट आर बियॉन्ड एनी डाउट, मानी इसमें कोई डाउट नहीं है इनके एफिनिटीज़ में, जो डाउट नहीं है उसको आगे बताया गया है। द एसिडियन टेडपॉल लार्वा पोजेस ऑल द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स। एसिडियन टेडपॉल लार्वा की बात करें तो वो सारे बेसिक कॉर्डेट के कैरेक्टर्स को रखता है। अब यहाँ हम एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, कॉर्डेट हम किसे कह सकते हैं, किस ऑर्गेनिज्म को हम कॉर्डेट कह सकते हैं, तो कॉर्डेट के ये तीन बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, ये हमेशा याद रखने वाली चीज़ है। क्या है, तो फर्स्ट रॉड लाइक नोटोकॉर्ड होना चाहिए, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होना चाहिए, गिल स्लिट्स इन फेरिंजियल वॉल होनी चाहिए, ये तीन कैरेक्टर्स होते हैं। तो हम यहाँ स्टडी कर रहे थे कि द एसिडियन टेडपॉल लार्वा पोजेज ऑल द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स सच एज फर्स्ट रॉड लाइक नोटोकॉर्ड होता है जो फॉर्मिंग कर लेता है, फॉर्मिंग एक्सियल स्केलेटन ऑफ टेल। सेकेंड डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड थर्ड गिल स्लिट्स इन द फेरिंजियल वॉल। This is probably because both यूरोकॉर्डेट and the other कॉर्डेट have originated from a common ancestor. ये संभव तो इसलिए है क्योंकि यूरोकॉर्डेट की बात करें या अदर कॉर्डेट्स की बात करें तो उनका ओरिजिनेशन एक समान ancestor से हुआ है, उनके पूर्वज से हुआ है। देन आगे एफिनिटीज विथ हेमिकॉर्डेट कॉर्डेट्स सॉरी वर्टिब्रेट्स की एफिनिटीज में हम यहाँ हेमिकॉर्डेट की एफिनिटीज स्टडी करेंगे। द assumption दैट नियरेस्ट रिलेटिव्स ऑफ यूरोकॉर्डेट्स आर द एग्जिस्टिंग हेमिकॉर्डेट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सिमिलरिटीज। माने जो काल्पनिक या मानी हुई बात जो है कि यूरोकॉर्डेट्स का जो करेक्टर है या उनका जो रिलेशन है वो हेमिकॉर्डेट्स के साथ बहुत क्या है, नियरेस्ट रिलेशन है, ये एक ये काल्पनिक जो बात है इसे क्या किया गया है, ये आधारित किस पे है, इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सिमिलरिटीज, कुछ दिए गए सिमिलरिटीज पे आधारित है। फर्स्ट सेम स्ट्रक्चरल प्लान ऑफ फेरिंग्स परफोरेटेड बाय द गिल स्लिट्स एंड हैविंग सिमिलर एसेसरीज। सेम स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर होने की वजह से फेरिंग्स का परफोरेटेड जो होता है बाय गिल स्लिट्स और उनमें सिमिलर एसेसरीज भी प्रेजेंटेड होती हैं। सेकंड सिमिलरिटी देखेंगे, सिमिलर डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसका डेवलपमेंट भी सिमिलर होता है, विकास नर्वस सिस्टम के सेंट्रल पार्ट का भी सेम होता है, एक समान होता है। थर्ड अकरेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड नोटोकॉर्ड भी क्या होता है, पाया जाता है। तो ये थे एफिनिटीज हेमिकॉर्डेट्स के साथ। देन एफिनिटीज विथ सिफेलोकॉर्डेट्स, अब हम एफिनिटीज पढ़ेंगे सिफेलोकॉर्डेट में। द एडल्ट यूरोकॉर्डेट बियर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज ब्रैंकियोस्टोमा, मीन्स सिफेलोकॉर्डेट एडल्ट यूरोकॉर्डेट की बात करें तो उनमें कुछ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज होती हैं सिफेलोकॉर्डेट के साथ, या उसे ब्रैंकियोस्टोमा भी बोला गया है। फर्स्ट सिमिलरिटी क्या है, सिमिलर सीलियरी फिल्टर फीडिंग और फूड कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म एंड रिस्पिरेटरी मैकेनिज्म। क्या क्या समान है, तो सीलियरी फिल्टर फीडिंग या फूड कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म और रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म, ये सिमिलर है। सेकंड लार्ज फेरिंग्स विथ सिमिलर एसेसरी, फेरिंग्स लार्ज है और सिमिलर एसेसरीज भी हैं। थर्ड
ब्रैंकियल टेंटिकल्स सिमिलर हैं टू वेलर टेंटिकल्स, फोर्थ सिमिलर इंडो स्टाइल एंड एसोसिएटेड पार्ट्स भी हैं, इंडो स्टाइल भी समान है और एसोसिएटेड पार्ट्स भी सिमिलर। एट्रियल कॉम्प्लेक्स, एट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो भी सिमिलर है। फिर देन आगे पढ़ेंगे, बिसाइड्स द फंडामेंटल थ्री कॉर्डेड करेक्टरिस्टिक्स, ऊपर दिए गए करेक्टर्स के अलावा जो मेन फंडामेंटल मुख्य तीन कॉर्डेड के करेक्टर्स हैं, नोटोकॉर्ड डॉर्सल, दैट इज नोटोकॉर्ड डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, द एसिडियन टेडपोल लार्वा एंड ब्रैंकियोस्टोमा आल्सो शेयर द फॉलोइंग सिमिलरिटीज। माने इन करेक्टर्स, ऊपर दिए गए तीन करेक्टर्स के अलावा भी कुछ करेक्टर्स दर्शाते हैं, होते हैं जो यहाँ सिमिलरिटीज दिखाया दिया गया है। जैसे फर्स्ट, आइडेंटिकल अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, आइडेंटिकल अर्ली स्टेजेस, डेवलपमेंट का जो शुरुआती दौर होता है, स्टेज होता है, वो भी समान होता है सिफेलोकॉर्ड्स में, यूरोकॉर्ड्स, सिफेलोकॉर्ड्स में यूरोकॉर्ड्स के जैसा ही क्या होता है। तो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आइडेंटिकल होते हैं। सेकंड, टेल विथ मीडियन वर्टिकल फिन विदाउट फिन रेज, टेल में मीडियन मध्य क्या होता है, वर्टिकल फिन्स होते हैं, उनमें फिन रेज नहीं होती। थर्ड, मीडियन सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ओटोसिस्ट, ओसिलस, स्टैटोसिस्ट्स। फोर्थ, फेरिंग्स विथ इंडो स्टाइल, फेरिंग्स होती है इंडो स्टाइल्स के साथ, इंडो स्टाइल के साथ। फिफ्थ, एट्रियल कॉम्प्लेक्स सिमिलर होते हैं। तो ये एफिनिटीज थी सिफेलोकॉर्ड्स की। देन एफिनिटीज विथ वर्टिब्रेट, अगर हम बात करें वर्टिब्रेट के साथ एफिनिटीज, तो द एसिडियन टेडपोल लार्वा, एसिडियन टेडपोल लार्वा कैन बी कंपेयर्ड, उनको कंपेयर किया जा सकता है, एसिडियन टेडपोल लार्वा का कंपेरिजन किया जा सकता है विथ ए लार्वल फिश, एक लार्वल फिश से, एक लार्वल मछली से। किस तरीके से कंपेयर किया जा सकता है, आगे देखेंगे। इट रिजेंबल्स हायर कॉर्डेट्स इन हैविंग, ये समान होते हैं एक हायर कॉर्डेट्स के जैसे होते हैं। किन चीज़ों में, तो फर्स्ट, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, इनमें डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं। सेकंड, एक्सियल स्केलेटल नोटोकॉर्ड। थर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। फोर्थ, पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल कवर्ड होते हैं, पोस्ट एनल टेल कवर्ड बाई काउडल फिन, जो एनस के बाद पाई जाने वाली क्या है, पोस्ट एनल टेल, एनस के बाद जो टेल प्रेजेंट होती है वो कवर्ड होती है बाई वर्टिकल, एक वर्टिकल काउडल फिन से कवर्ड होती है वो करेक्टर। और फिफ्थ जो है, टाइप ऑफ क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन, टाइप ऑफ क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन, ये सारे जो समानताएँ हैं, ये एफिनिटी वर्टिब्रेट्स के साथ एफिनिटीज दिखाती हैं। बिसाइड्स इनके अलावा, इन द एडल्ट एसिडियन, अगर बात करें एडल्ट एसिडियन में, फर्स्ट, न्यूरल ग्लैंड इज होमोलॉगस विथ वर्टिब्रेट पिट्यूटरी, ऊपर दिए गए करेक्टर्स के अलावा एडल्ट एसिडियन में अगर न्यूरल ग्लैंड जो होता है वो होमोलॉगस होता है विथ वर्टिब्रेट पिट्यूटरी, वर्टिब्रेट के पिट्यूटरी के समान होता है। सेकंड, इंडो स्टाइल विथ वर्टिब्रेट थायरॉइड, इंडो स्टाइल जो होती है वो समान होती है वर्टिब्रेट्स के थायरॉइड से। और टिफ्लोजोल जो होता है कंपेरेबल होता है टू इंटेस्टाइन स्पायरल वॉल्व ऑफ इलास्मोब्रैंक फिशेज, इलास्मोब्रैंक फिशेज के इंटेस्टाइन स्पायरल वॉल्व जो होते हैं उनके उनसे कंपेयर कराया गया किसको, टिफ्लोजोल को। तो ये सारे कुछ होमोलॉगस करेक्टर्स को दिखाया गया है। फिर नीचे कंक्लूजन दिया गया, कंक्लूजन फ्रॉम द अबव डिस्कशन, इट इज़ ऑब्वियस दैट यूरोकॉर्डेट्स आर प्रिमिटिव एंड डीजनरेट डिसेंडेंट्स ऑफ एंसेस्ट्रल कॉर्डेट्स। माने ऊपर दिए गए डिस्कशन से हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि यूरोकॉर्डेट्स जो हैं वो प्रिमिटिव बहुत पुराने हैं और ये एंसेस्टर हैं जो डीजनरेट, मतलब एंसेस्टर कॉर्डेट्स हैं जिनका, जिनमें कुछ क्या है, वो कुछ चीज़ें डीजनरेट हो चुकी होती हैं। और द टेडपोल लार्वा, द टेडपोल लार्वा रिप्रेजेंट्स द रेलिक ऑफ ए फ्री स्विमिंग एंसेस्ट्रल कॉर्डेट। माने टेडपोल लार्वा जो होता है वो क्या दर्शाता है कि एक अवशेष, एक रेसिड्यू जो होता है, रेसिड्यू फ्री स्विमिंग एंसेस्ट्रल कॉर्डेट्स का, जो जिसमें दिखाता है कि कॉर्डेट्स जो थे वो फ्री स्विमिंग भी थे, मतलब कि स्वतंत्र रूप से तैरने वाले। फिर आगे, डीजनरेशन इज अ सेकेंडरी मॉडिफिकेशन ड्यू टू सेडेंट्री एंड सेसाइल मोड ऑफ एडल्ट लाइफ। मन डीजनरेशन ये एक सेकेंडरी मॉडिफिकेशन भी है क्योंकि इनका नेचर जो था वो सेडेंट्री का था एंड
और ससाइल मोड, नाजुक मोड था इनके एडल्ट लाइफ का, तो इस वजह से इनमें क्या हुआ था, सेकेंडरी मॉडिफिकेशन आया था। तो हम यहाँ कुछ इसमें कुछ करेक्टर्स को लिया गया है, यहाँ कुछ 11 करेक्टर्स हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं, जिनके इन करेक्टर्स को कंपेयर कराया गया है यूरो कॉर्डेट्स में, सिफेलो कॉर्डेट्स में। जैसे करेक्टर है एडल्ट करेक्टर की अगर बात करें तो यूरो कॉर्डेट सेडेंटरी होता है, सिफेलो कॉर्डेट फ्री स्विमिंग होता है। सेगमेंटेशन यूरो कॉर्डेट्स में एबसेंट है, नहीं होता है यूरो कॉर्डेट्स में, सिफेलो कॉर्डेट्स में होता है, प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड एबसेंट इन एडल्ट यूरो कॉर्डेट में और सिफेलो कॉर्डेट में प्रेजेंट होता है। नर्व कॉर्ड में नर्व कॉर्ड जो होता है यूरो कॉर्डेट्स में एबसेंट है, एडल्ट में सिफेलो कॉर्डेट में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये 11 करेक्टर्स हैं जिनको आप देख सकते हैं।